फाइनली एलिजाबेथ पार्क पहुंच गए और चलो पहुंच गए। अब देखते हैं यहाँ पर रोज कहाँ है, क्योंकि ये तो लेट्स सी कहाँ है रोज, झूठ है रोज। इतने दिन से प्रियंका हर वीकेंड का प्लान करती है कि हम एलिजाबेथ पार्क चलें और फाइनली आज हम एलिजाबेथ पार्क पहुंच चुके हैं। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? ये एक ही चैलेंज रहेगा कि हम वापस कैसे और कितनी जल्दी जा सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, जो सूरज इस पेड़ के बीच में से दिख रहा है। फुटबॉल होती ना तो इस घास में आराम से बैठ के खेलते। इतना बड़ा पार्क है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जो खजियार गए थे ना, खजियार। हाँ बिल्कुल वैसा ही आ रहा है यहाँ पे कि हम खजियार में आ गए। बस बीच में लेक था और कहीं खजियार का ना वो जो लेक है वो यहीं से तो नहीं है, इसमें तो बीच में लेक है। अच्छा है, लेक है कहीं। हाँ शायद साइड में कहीं पे मैप में दिखा तो रहा था, लेकिन ये पार्क कितना ज्यादा, मतलब पार्क है लेकिन ये पार्क नहीं है। दिस इज लाइक, हां दिस इज रियली, मतलब शायद इसी को पार्क कहते होंगे। ये बहुत पुराने पेड़ होंगे शायद ये पार्क, जब यहां पे सर्दी में बर्फ पड़ेगी तो स्केटिंग होगी। तो हां इसमें होती है क्या? हां शायद होगी। हमें चलते हुए वाकई में ऐसा फील हो रहा है कि हम हाइकिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस मॉर्निंग वॉक पे आए हो। अलग सी पत्तियां है। क्या लगी स्ट्राइप? यहाँ झाड़ियां भी अलग तरीके की। ये क्या है, यहाँ से रास्ता बंद है? नहीं ये खराब हो गया, पेड़ टूट गया शायद यहाँ से, तो इन्होंने दूसरा रास्ता बनाया क्या यहाँ से? या वहां जाना सेफ नहीं है? प्रॉब्ली रास्ता तो है ना, या वो पेड़ टूट गया तो इसीलिए शायद ये रास्ता बंद हो गया। अभी हमें ऐसे ही फील आ रहा है जैसे हम हाइकिंग कर रहे हो, कोई भी नहीं है और गाड़ियां भी नहीं है और इतनी ग्रीनरी है तो फर्क पता नहीं चल रहा कि अभी हम इंडिया के माउंटेन वाली टी शर्ट। सही बात है, एलिजाबेथ पार्क। ये इसका दूसरा एंट्रेंस है क्या या मेन एंट्रेंस है इसका? शायद यहीं से मेन एंट्रेंस है, यहाँ से 13 मिनट होगा। जो यहाँ से वो 17 मिनट बता रहा था ना वो यहीं से बता रहा होगा फिर। हाँ शायद से हम लोग ने शॉर्टकट मार लिया, वो मेन एंट्रेंस नहीं था। हम उसे देख के भी इतना खुश हो गए। हाँ वहाँ पे तक लोग आ जाते होंगे ऐसे चलते चलते, फिर क्या होता होगा वहाँ पे जाके लोगों को लगता होगा कि नहीं भाई घर वापस चलते हैं, बहुत शांत है। तो उन्होंने वहीं से गेट दे दिया, नहीं अभी रुक जाओ बस यहाँ तक आ गए थोड़ा और। तो वहाँ से वो हम लोगों को गेट मिल रखा है कि तुम आ सको, नहीं होप लूज मत करो, आ सकते हो तुम, आ सकते हो। तो हम आ जाते हैं ऐसे। लेकिन ये पार्क बहुत बड़ा है, हम जल्दी जल्दी घूमेंगे। डू नॉट एंटर एक कार के लिए, जब जल्दी आएंगे तो फिर बैठेंगे फुल एंजॉय करेंगे। यहाँ पे लॉन टेनिस का वो भी है, कोर्ट है। एंड देन ये शायद बेसबॉल का पार्क है। एंड समबडी सिंगिंग ऑन गिटार, मतलब ही इज प्लेइंग ऑन गिटार। तो ये जगह यहाँ के पार्क जो है ना, वो चाहे यहाँ बुशनेल का हो या यहाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग फन एक्टिविटी करते ही रहते हैं। एंड अकेले बैठे होते हैं नेचर में, पता नहीं अपने ख्याल में खोए होते हैं। मतलब इसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब अगर ऐसे कोई स्पेसिफिकली
अगर शोर वाली जगह जाना है तो जैसे फ्लोरिडा मायामी लोग जाते हैं, न्यूयॉर्क, वहाँ बहुत शांत है, सब अच्छा सा लगता है। ये बात बिल्कुल ऐसा फील दे रहा है जैसे कि हम लोग कहीं शिमला में या मनाली में या घूम रहे हैं। ये लेक है यहाँ पे, तो लेक है बीच में, हाँ लेक है यहाँ पे, लेकिन लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हैं वहाँ पे जो यहाँ पास में रहते होंगे, तो यहीं बैठे रहते होंगे, है ना। वहाँ पे कोई शादी चल रही है, अच्छा लोग तो ये एक वेडिंग चल रही है लोगों की यहाँ पे। हम भी जो अपने किसी एनिवर्सरी पे वेडिंग सेलिब्रेट करेंगे ना, हाँ बिल्कुल यहाँ पे तो हम ना यहीं पे करेंगे। कितनी सुंदर है ये, ऐसा लग रहा है जैसे पेंटेड है लेकिन लीव्स हैं, सो ब्यूटीफुल। तुम्हारा फोटो क्लिक करूं? अरे अंदर, ओ हाँ इसकी गार्डन है, सो वेडिंग चल रही है। रोज गार्डन है यहाँ पे, अभी तो इतने रोज नहीं है अभी, लेकिन वहाँ पे व्हाइट रोज है, पिंक रोज है, ये होते यहाँ भी रोज है। चार्ल्स बीच, चार्ल्स बीच, पर्पल रोज। वेट फॉर मी एट द एग्जिट। चलो अपन 1.82 हाँ महीने भर का सोडा ले। करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होता जाएगा और हमें वॉक करना है। तो हम 6:30 निकल रहे हैं, ब्राइड है यहाँ से 55 मिनट का डिस्टेंस है, अभी बज रहे हैं 6:30, तो अभी हमें कोशिश करना है कि हमें कंटिन्यूसली 50 मिनट वॉक करके अपने हार्टफोर्ड डाउनटाउन पहुँचना है यहाँ से। तो यार वरीड कि अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि 7 कितने बजे था, अराउंड 7 सनसेट था। जो हमारे यहाँ वो क्रिसमस पे वो छोटा वाला मिलता है ना, हाँ। ये वो ही है। हमें वहाँ पे खरीदने पड़ते हैं ना वो छोटे छोटे से, वो यहाँ पे या वो शायद आर्टिफिशियल होते हैं और ये असली है यहाँ पे। यहाँ पे वही वाला पेड़ होगा शायद से, ये ऊपर से गिर रहे होंगे, इतना बड़ा है।
ये पूरा प्रिपेयर्ड है, ये वाला छोड़ता हूँ, ये वाला पकड़ता हूँ। मुझे लगा कितने सारे लेके जाने वाले हो आप। नहीं बस ये लास्ट है बस। यहाँ पे बहुत सारे हैं, इस ट्री से गिर रहे हैं। हम क्रिसमस पे डेकोरेशन करेंगे। क्रिसमस पे तो पता नहीं ये कितना ही कैसा लगेगा, कितना सुंदर लगे शायद। ओ क्या कर रही हो उसमें, देखो आसमान में देखो व्हाइट कलर का एरोप्लेन, उस पर लास्ट सनलाइट पड़ रही है, वो कितना चमक रहा है। पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा या नहीं, पता नहीं आ रहा होगा।